आज सप्त देवालय से भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ नगर का भ्रमण करेंगे। तीन अलग अलग रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण के बाद ज्ञान गुदड़ी पहुंचेंगे। बता दें कि पुरी की तर्ज पर ही वृंदावन में भी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कोरोना काल के चलते दो सालों से बंद जगन्नाथ यात्रा का आगाज हो गया है। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह है। रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ है। काशी में रथ यात्रा का आगाज, शिवनगरी काशी में जगन्नाथ यात्रा का आगाज हो गया है। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। भक्त जयकारे लगा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान 14 दिन के अस्वस्थ होने के बाद भगवान पालकी द्वारा रथ यात्रा आए और आने के बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए और काशी भ्रमण के लिए भगवान यहाँ आए हैं। आज जो रथ की परिक्रमा और रथ को खींचता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ ये भगवान के स्वस्थ होने के बाद जो 3 दिन के लिए भगवान रथ से बाहर निकलते हैं उसमें अपने आप को दर्शन करके बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। मन्नत ये है कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और विश्व में भी शांति बनी रहे। पुरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य शुरुआत हो चुकी है। रथ यात्रा की शुरुआत पहाड़ी अनुष्ठान के साथ हुई, जिसमें भगवान जगन्नाथ को पारंपरिक तरीके से रथ तक ले जाया जाता है। 2 साल के अंतराल के बाद शुरू हुई यात्रा में भक्तों की भागीदारी की अनुमति के बाद रथ यात्रा में भारी भीड़ है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह है। रथ यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा है। रथ यात्रा में शामिल भक्त जयकारे लगा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहां कड़कण में देवताओं का वास है। जौनसार बावर इलाके में गुरुवार को इष्ट देव भगवान चालदा महासु की देव डोली का प्रस्थान खत बड़गांव से हुआ। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्त उमड़े और अपने इष्ट देव के दर्शन किए। उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में आस्था का ये जनसैलाब अपने इष्ट देव भगवान चालदा महासु के दर्शनों के लिए उमड़ा है। मौका था कोटा तपलाड़ गांव से भगवान चालसा महासु की देव डोली के प्रस्थान का। जो खत बड़गांव के घड़ता गांव के लिए निकली, मोहना गांव 7 खतों मोहना द्वार विशलाड़ बोंदूर तपलाड़ अटगांव और बड़गांव का मुख्य केंद्र है। धार्मिक मान्यता है कि हुणा भाट ब्राह्मण के खेत में चौथी सींग यानी हल की रेखा लगाते ही चालदा महाराज स्वयं ही प्रकट हुए थे। माना जाता है कि चालदा महाराज एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते, वो हमेशा भ्रमण पर रहते हैं, इसीलिए उन्हें चालदा महाराज कहा जाता है, यानी जो हमेशा चलता रहे। पांच दिन पहले ही खत विशायल में 8 दिन की पैदल यात्रा कर देव की डोलियां हिमाचल प्रदेश के चूड़धार से वापस सिमोग गांव पहुंची थी। एक बहुत बड़ा देव पर्व संपन्न हुआ जिसमें 25,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। टीम न्यूज स्टेट। देश में आज से प्लास्टिक के कई उत्पादों को बैन कर दिया गया है। यूपी में प्लास्टिक के 19 उत्पाद बैन किए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग